हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं रमन कुमार, मेरी एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम जानेंगे सप्लेरा की बोनसाई किस तरह तैयार करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं घर पर सप्लेरा प्लांट की बोनसाई तैयार। तो देखिए, सबसे पहले हम मिट्टी को झाड़ रहे हैं, इसको झाड़ लेंगे। मिट्टी को हल्की हल्की निकाल देंगे, इसकी जो भी साइडों की मिट्टी है, मिट्टी को निकालने के बाद अब इसकी जो ब्रांचेस हैं, एक्स्ट्रा ब्रांचेस, मैं इसको कट कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा ब्रांचेस जितनी भी हैं मैं कट करता जा रहा हूँ इनको। मेरे पास कटर है तो मैं कटर की मदद से कर दूंगा, अगर आपके पास कटर नहीं है तो चाकू की मदद से भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा ध्यान से करना, हाथ में भी लग सकता है, ये थोड़ा रिस्क का काम है। ये देखिए, फालतू के एक्स्ट्रा जो पत्ते हैं उनको छुटा दूंगा। छुटाने के बाद इस पर आएगा वायरिंग का नंबर, फिर करेंगे दोस्तों इस पर वायरिंग तार की मदद से। क्यों ये वायरिंग इसलिए लगाई जा रही है कि जो भी आप शेप चाहें वो कोई सी ब्रांच को किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं वायरिंग करता जा रहा हूँ तारों की इस पर पौधे की ब्रांचेस जो हैं, इन पर एक्स्ट्रा तार कट कर देंगे। बड़े ध्यान से ही वायरिंग करनी है दोस्तों, ब्रांच जो हैं इसकी थोड़ी नाजुक होती हैं, टूट भी जाती हैं, तो हल्के हाथ से बड़ी सावधानी से करनी है। सभी ब्रांचों पर मैं इसी तरह से वायरिंग कर लूँगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी घर पर बोनसाई बना सकते हो, थोड़ा टाइम लगता है। एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा इसकी, आपको दिखाऊंगा 2 महीने के बाद का रिजल्ट किस तरह की हमारी बोनसाई तैयार हुई है। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपके सपोर्ट से मुझे भी थोड़ा हौसला मिलेगा, मैं ऐसी वीडियो और लाऊँ, हर रोज़ एवरी डे एक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और जिस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसी तरह की वीडियो ले आऊँगा आपके लिए। देखिए दोस्तों, सभी ब्रांचों पे वायरिंग कर लूँगा मैं। जितनी भी हैं बड़ी सावधानी से वायरिंग करनी है, बस ब्रांच थोड़ी कमज़ोर होती हैं, इसकी नाजुक होती हैं, ये टूट जाती हैं। मैंने ये केबल वाला तार लिया है, ये बहुत ही मुलायम होता है, इसको कहीं भी शेप दे सकते हैं, किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं। आप चाहें तो कॉपर का भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। मैंने इसमें सिल्वर का तार लिया है, ये देखिए सभी की टेनियों को वायरिंग होने के बाद शेप दे रहा हूँ मैं इसकी बोनसाई की। मेरे को इस तरह की शेप पसंद है, उस तरह की मैं दे रहा हूँ। जिस तरह आपको बोनसाई शेप देनी है उस तरह से आप दे सकते हैं, या फिर मैं इस तरह से शेप दे रहा हूँ इसके मुताबिक आप भी दे सकते हैं दोस्तों। तार की मदद से बांध देंगे इसको। इसके बाद मैं इसके एक्स्ट्रा जो पत्ते हैं उनको कट कर दूंगा, क्यों नई ब्रांचेस निकलेंगी जब और भी अच्छा बोनसाई बनेगा हमारा। इसके जितने भी एक्स्ट्रा पत्ते हैं उनको हम हटा देंगे, उसके बाद हम बोनसाई पॉट लेंगे। बोनसाई पॉट लेने के बाद पौधा रख लेंगे हम इसमें। पौधा रखने के बाद जो हमारी बोनसाई सोल बना रखी, बोनसाई की मिट्टी, उसको हम इसमें घेर के लगाएंगे। इसकी जो रूट है थोड़ी
साइडों में निकाल देंगे, जो एक जगह इकट्ठी थी उनको दूर दूर कर देंगे, इससे थोड़ी और भी अच्छी लुक आएगी हमारे बोनसाई प्लांट की। देखिए दोस्तों, इतनी मेहनत से मैं ये आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, बस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसी ही वीडियो मैं डेली आपके लिए लाता रहूँगा। आप लोगों का ही चैनल है दोस्तों ये, इसको सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार। उसके बाद मैं हल्के हाथ से मिट्टी को दबा दूंगा, इसको अंदर जो है बोनसाई के अंदर भी दबानी पड़ेगी इसकी जड़ में जो मिट्टी। अभी हो गई हमारी बोनसाई तैयार।